नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। आज की जो मेरी साधना है वो है वट यक्षिणी साधना। वट माने बरगद होता है, बरगद का पेड़ होता है जिसे इंग्लिश में हम बनियान ट्री कहते हैं। बरगद एक बहुत विशाल का पेड़ होता है, कई लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और ये जो यक्षिणी है वो बरगद के पेड़ पर निवास करती है, तो इसमें बरगद के पेड़ का विशेष स्थान है। यह जो साधना है ये थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ कर 11,000 जप इसके किए जाते हैं, 11,000 जप, और 15 दिनों तक ये साधना होती है। शुक्रवार से स्फटिक की माला होती है, और वस्त्र जो है आप कोई सा भी चुन सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी विधि विधान नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना ही आपको कोई तस्वीर लानी है, ना ही कोई फोटो लाना है, ना ही कोई स्फटिक की माला तो यूज ही करनी है आपको, ना ही इसमें कोई फोटो लाना है, ना ही कोई यंत्र लाना है, ना ही किसी प्रकार का इसमें भोग लगाना है। बस ये आपको मंत्र पढ़ना है, इसके जितने भी मैंने बताए हैं। और मंत्र पढ़ने के बाद आपको कन्याओं को सिर्फ और सिर्फ आके भोग लगाना है, यानी 7 कन्या, 9 कन्या, 11 कन्या। और जब ये आपका जाप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको धन बल पुत्र राज्य सभी प्रकार का धन तथा एक दैविक जो अपने एक तंत्र की साधनी शक्ति होती है और एक देवी शक्ति होती है वो आपको प्रदान होती है, ऐसी कोई सिद्धि मिल जाती है आपको। तो शुक्रवार का दिन चूज कर लीजिए, यानी फ्राइडे का दिन, और कोई भी वस्त्र पहन लीजिए। 10 बजे के बाद का समय होना चाहिए रात्रि का, और जैसा कि विधि विधान मैंने बताया है सेम विधि विधान रहेगा। एक माला आपके भोलेनाथ की, एक माला गुरु की, एक माला आपके जो क्रोध भैरव महाराज होते हैं उनकी, और एक माला गणेश जी के, 4 मालाएं करनी है। उसके बाद ये मंत्र का जाप करना है, फिर उसके बाद आपको 11 माला कम से कम महामृत्युंजय मंत्र की करनी है। इस तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई उटपटांग सपने नहीं आएंगे, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति आप पे काम नहीं करेगी, सफलतापूर्वक आपकी ये साधना संपन्न होगी। तो 15 दिन की ये साधना है, और जो ये मंत्र है उसका मंत्र है ओम क्रीम वट यक्षिणीये नमः। ओम क्रीम वट यक्षिणीये नमः। तो इस तरीके से आप इसका विधि विधान करेंगे और ये आपकी साधना पूरी हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार का ना ही भोग लगना है, ना ही कोई आपको तस्वीर सामने रखनी है, ना इसमें कोई कपड़ों का विधि विधान है। सिर्फ आपको शुक्रवार का दिन लेना है, एक स्फटिक की माला लेनी है, कोई से भी कपड़े पहन के बरगद के पेड़ पे आपको चढ़ जाना है, जहां आपको कोई देखे ना चुपचाप से। समय 10 बजे के बाद का है, और उसके बाद निम्नलिखित मंत्र जो मैंने दिया हुआ है उसको करना है रोज का। 11,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 108 से, जितने भी आते हैं उतनी आपको मालाएं करनी होंगी, और 15 दिन तक ऐसा चलेगा। और हर 15 दिन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कन्याओं को भोग लगाना है, और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है 15 दिन के बाद, तो आपको एक बड़ा सा अनुष्ठान करा लेना है महामृत्युंजय मंत्र का, किसी पंडित के द्वारा, या आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक माला करते जाइए और यज्ञ में आप जो यज्ञ का सामग्री होती है वो छोड़ते जाइए, इस तरीके से आपको यज्ञ की आहुति देनी है, और ऐसे करके आपको 51 माला, 101, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से कर लीजिए, आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, आपकी साधना भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये वट यक्षिणी जो साधना है शीघ्र फल देती है और सारे आपके कामों को बनाती है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आप कल्याण हो, आपकी साधना सफल हो। नमो नारायण, जय महाकाल, राधे।